हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो इस परीक्षा की कड़ी में, इस मिशन 2023 में हम लोग ने 3 पड़ाव पार कर चुका है। अध्याय 1 खत्म, अध्याय 2 खत्म, अध्याय 3 खत्म, और आज अध्याय 4 सारणी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा टॉपिक आप लोग को डील करूंगा मैं, और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी हम लोग आव्यूह पढ़ के आए हैं। आव्यूह पढ़ के आए हैं तो यह आपका अध्याय होगा 4, यह अध्याय होगा 4। यहाँ पे प्यार से लिखिए अध्याय 4, ये है अध्याय 4, और जिसका नाम है सारणिक, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब यह अध्याय 4 आपको 6 नंबर देगा, मतलब एक क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के एक क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के एक क्वेश्चन आएंगे, और 4 अंक के एक क्वेश्चन आने वाले हैं बॉस, 4 अंक के एक क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 अंक के एक क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, कैलकुलेटर उठाओ, 2 और 4 जोड़ने के लिए बहुत टफ है, 2 और 4 मेरे और आपके ख्याल से होते हैं 6, मतलब कि ये 6 अंक देके जाएगा ये अध्याय। और ये 6 अंक ना, मतलब ऐसे ही, ये तो मतलब हर स्टूडेंट का अधिकार है, ये 6 नंबर बोलता हूँ। वैसे तो 100 में 100 है, लेकिन ये इतना इजी और इंटरेस्टिंग है, इसमें से तो ये पूरा 6 नंबर बटोरना है हमको, और उसमें मैं इतने सारे टॉपिक आपको डील कराने वाला हूँ। अगर आप लोग आव्यूह मेरे से पढ़े हैं तो देखो, आव्यूह में भी मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ आपको, याद है, मतलब 6 वीडियो बनाया मैं आव्यूह में, और पहले ही वीडियो में आप लोगों को बेसिक क्लियर कराया, पहले दूसरे वीडियो में। उसी प्रकार इस सारणिक में भी आप लोगों को पहले बेसिक मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, ताकि क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। पहले परिचय, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह में भी पढ़ के आए हैं, सारणी की कोटि, आव्यूह और सारणिक में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पे फंसते हैं कि सर आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है, वो अंतर हम लोग देखेंगे, और सारणिकों के गुणधर्म संक्रियाएं के बारे में देखेंगे, और जब सब समझ जाएंगे तो बहुत सारा अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा, जो 2 अंक और 4 अंक के होंगे। तो ठीक है, तो इस जर्नी को मैं शुरू करता हूँ मिशन 2023 अध्याय 4 का ये पहला लेक्चर और पहला टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखो सारणिक, सबसे पहले मैं परिचय आपको दे रहा हूँ, ठीक है, सारणिक के बारे में। आव्यूह जो देखे थे ना, आव्यूह उससे मिलता जुलता है सारणिक, ठीक है, लेकिन एकदम भी नहीं, लेकिन क्या क्या मिलता जुलता है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो परिभाषा देखो, एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, एक बार ध्यान से देखना क्या बोला, एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, इसमें आयताकार आव्यूह की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। परिभाषा में मत जाओ, परिभाषा तो आएगा नहीं, इजी भाषा में समझाऊंगा। इसे इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से द्वारा भी निरूपित किया जाता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आव्यूह की बात करूं, बस ध्यान से बस देखते जाओ, ये है आव्यूह। अब ये जो आव्यूह है, इसको मैं लिख दिया 1 2 3 4, ये एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमको मालूम है, स्तंभ, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या, तो 2 × 2 है, ये हमको मालूम है। सर कैसे, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ। ये क्या है, पंक्ति 1 पंक्ति 2, ये है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, पहले पंक्ति की संख्या 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखो R1 और ये R2, और ये है स्तंभ की संख्या C1 × C2, तो 2 × 2 का ये क्या है, एक आव्यूह है, ठीक है, जो कि वर्गाकार है, 2 × 2 वर्गाकार है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं, एक आव्यूह लिया 1 2 3 4 0 1, इसमें जो पंक्ति की संख्या है, देखो 1 2 3 3, और स्तंभ की संख्या है 1 और 2, तो 3 × 2 का ये क्या है, आव्यूह। तो ये एक वर्गाकार आव्यूह है, जब स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर होते हैं तो वर्गाकार होता है, जब बराबर नहीं होते तो वो क्या होता है, आयताकार होता है। तो ये वर्गाकार है, तो अगर इस आव्यूह को मेरे को सारणिक में लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस चिन्ह को चेंज कर दूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 3 तरीके से मैं प्रदर्शित कर सकता हूं, मुख्यतः ऐसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं।
तो मैं इस आव्यूह को अगर मैं सारणिक में लिखना चाहूं तो ये दो डंडी से बंद करूंगा और एक दो तीन चार कर दूंगा, बस जो इसकी कोटी है वही कोटी रहेगी, ये 2x2। यह इसका क्या रहेगा, यह इसका पंक्ति रहेगा और यह इसका स्तंभ रहने वाला है, यह इसका स्तंभ रहने वाला है, ये और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं कर दिया भी, इसको मैं कर दिया मतलब मैं आव्यूह है इसको मैं लिख लिया एक सारणिक में। अब इसको नहीं लिख सकता मैं, क्यों नहीं लिख सकता, तो ध्यान से देखो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को देखो, वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह को ही मैं सारणिक में लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक अंतर तो यह भी मिल गया कि आव्यूह वर्गाकार और आयताकार दोनों होता है, लेकिन सारणिक हमेशा वर्गाकार ही होता है, वर्गाकार ही होता है, मतलब जो कोटि होगा ना वो दोनों सेम होगा, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सेम होगी सारणिक में, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं है, आव्यूह में ऐसा नहीं है। तो बस यही बता रहा है आपको, ये देखने की जरूरत नहीं है परिभाषा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, यदि आव्यूह ए बी सी डी को हम सारणिक में व्यक्त कर सकते हैं, आव्यूह ए जो दिया है को हम सारणिक में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, अभी बताया मैं, आव्यूह अगर ऐसा है तो उसको सारणिक में व्यक्त कर सकते हैं। ये देखो आव्यूह क्या है, ये आव्यूह था ए बी सी डी, इसको आप सारणिक में ऐसे करके चेंज कर लिए। फर्क क्या था, यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट था ये आव्यूह को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे आप सिंगल डंडा लगा दिए, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये सारणी को करता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि ये मैं लिखा एक ऐसा, मान लो ए बी सी ई एफ जी एच आई ओ, तो ये सबसे पहले आप लोग देखना है कितने बाय कितने का है, तो ध्यान से देखो 3x3 का है। अब ये 3x3 कैसे आया, तो आप लोग मेरा आव्यूह वाला लेक्चर देख के आओ, आव्यूह वाला लेक्चर देख के आओ, वैसे इसके बाद भी मैं पंक्ति और स्तंभ में बात करूंगा, ये आप लोग को आव्यूह में मैं बता चुका हूं। तो यहां पे मैं फिर से बताया, ये है पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 और ये पंक्ति 3, तो पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या है 3 और स्तंभ 1 हो गया, ये स्तंभ 2 हो गया और ये स्तंभ 3, तो स्तंभ की संख्या कितना है 3, तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या लिखते हैं और यहाँ पे स्तंभ की संख्या, तो 3x3 का है, दोनों सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सारणिक में जरूर लिख सकते हैं। तो सारणिक ए के लिए मैं ये वाला सिंबॉल यूज किया, तो इसको जस्ट इसके अवयव को उसमें लिख दो, ए बी सी, बोलो क्या है, ए बी सी ई एफ जी, कोई नंबर भी लिख सकते हैं, एच आई ओ, ये हो गया सारणिक और ये हो गया आव्यूह। तो पहले देख लेना भाई, जब आप यहाँ आव्यूह से सारणिक में कूद के जा रहे हो तो देख लेना इसमें इसमें वर्गाकार है कि नहीं है, वर्गाकार, वर्गाकार की पहचान क्या होगी, ये बराबर होना चाहिए, कोटि जो है ये जो है स्तंभ की संख्या और ये पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये हो गया, क्लियर है क्या, ठीक। अब देखो पंक्ति और स्तंभ एक बार और समझा देता हूं मैं, पंक्ति और स्तंभ और सारणी की कोटि, ये मैं आव्यूह में आप लोगों को समझा चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं पंक्ति और स्तंभ की, तो यहां पे अगर मैं सारणी ये बना दिया 1 2 3 4, ये मैं बना दिया, तो ध्यान से देखना जो ऐसे रहता है ना हॉरिजॉन्टल उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं और जो ऐसा खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं और कॉलम को, सॉरी स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पंक्ति 1 हो जाएगा ये वाला, अगर मैं आप लोग को और क्लियर तरीके से समझाऊं, जो आव्यूह का मेरा लेक्चर नहीं देखा है, ये देखो ये हो गया पंक्ति 1 और ये हो गया पंक्ति 2। पंक्ति 1 में क्या क्या है, पंक्ति 1 में क्या क्या है, 1 और 2, पंक्ति 1 में 1 और 2 है, पंक्ति 2 में क्या है, 3 और 4। अब मैं स्तंभ की मैं बात किया, स्तंभ की बात किया तो ये स्तंभ है, ये देखो 1 और 3 स्तंभ है और 2 और 4 एक स्तंभ है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, पंक्ति, पंक्ति 1, पंक्ति 1 को मैं शो करता हूँ R1 से, क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में R रो बोलते हैं और ये रो का ही R लिया, और ये है पंक्ति 2, ये पंक्ति 2 दूसरा पंक्ति है।
अब ये है कॉलम पहला, कॉलम का मैं ये सी लिया और पहला नंबर का है करके पहला नंबर, और ये दूसरे नंबर का है तो कॉलम टू या स्तंभ टू, तो ये पंक्ति और स्तंभ होता है। अब सारणी के कोटि, सारणी के कोटि देखो, हम लोग अगर मैं बोलूं, जब हम लोग दुकान जाते हैं मार्केट जाते हैं तो पलंग खरीदते हैं तो बोलते हैं ना 6x6 का पलंग देना, है ना, 5x इतने का टेबल देना, ये हम लोग बोलते हैं। वैसे अगर मैं पूछूं कि कोई आव्यूह और सारणी कितने बाय कितने का है, तो हम लोग देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये डेल से भी शो कर सकते हो, या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आप ये सब शो कर सकते हो, है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं बोलूँ ये कितने बाय कितने का है, 1, 2, 3, 0 कितने बाय कितने का है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, गुणा स्तंभ की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो ये 2 लिख दिए। हमेशा ये सेम होगा ना, किसके केस में, सारणी के केस में। तो ये होता है मेरा कोटि, ये होता है कोटि, सारणी के कोटि से मैं आव्यूह में भी बताया था। अगर मैं 3x3 का लूं, अगर मैं 3x3 का लूं तो 3 पंक्ति होगा, तो आप लोग बोलो 3 पंक्ति मतलब 1, 2, 0, यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, 0, 0, 1, 1, 5, 7, देखो 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, हाँ सर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है सर, दिख रहे हैं 3 पंक्ति 3 स्तंभ, प्यार से देखेंगे, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। अब स्तंभ को देख लूँ मैं, स्तंभ का कलर बताओ, हरे कलर से कर लूँ, ये देखो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, ठीक है, तो पूरे एकदम विजुअलाइज करके दिखाया मैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। अब यहाँ पर देखो गेम चालू होता है, यहीं पर से आपको देखना है, तो आपको 1x1 का सारणिक देखना है, 2x2 का सारणिक देखना है, 3x3 का सारणिक देखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3x3 का सारणिक है। अब अभी परिभाषा में मत जाओ, मैं 1x1 का सारणिक बता रहा हूँ। 1x1 का सारणिक की अगर मैं बात करूँ, मतलब 1x1, अभी आव्यूह लिया मैं, आव्यूह लिया, इसको सारणिक में चेंज कर दूंगा, 1x1 का मतलब एक पंक्ति होगा और एक स्तंभ होगा। देखो ये एक पंक्ति ही तो है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, ठीक है, एक पंक्ति है, ये R1 और ये C1, एक पंक्ति एक स्तंभ, 1x1 का है, ये 1x1 का है, 1x1 का। तो अगर मैं इसको सारणिक में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये कितने बाय कितने का है, 1x1 का है। तो अगर मेरे को कोई पूछे कि सारणिक का मान क्या होगा, मान क्या होगा, तो इस सारणिक का मान क्या होगा, 2 होगा, इस सारणिक से हटा दो तो इस सारणिक का जो मान है वो 2 होगा, जो लिखा है ना सारणिक के अंदर 1x1 में वही सारणिक का मान होता है। अगर एक क्वेश्चन दे दूं, अब आव्यूह में नहीं देता मैं, डायरेक्ट दे देता हूं ऐसे, अगर मैं बोला सारणिक 5 है, ये 1x1 का है, इसका मान क्या होगा, सारणिक 1 का मान पूछा तो सारणिक 1 का मान 5 होगा, 5 होगा। देखो अगर आव्यूह दिया और सारणिक का मान पूछा तो सबसे पहले आव्यूह को आप लोग ऐसे सारणिक में दिखाना, उसके बाद इसका मान लिखना। अब आव्यूह में दिया ही नहीं है, डायरेक्ट सारणिक में दिया है, तो हम लोग आव्यूह से सारणिक में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी सारणिक में दिया है, एक स्टेप बचा लिया। तो अगर इसका मान अगर मेरे को कोई पूछे तो इस सारणिक के अंदर जो अवयव है वही इसका मान होगा, किसके केस में, 1x1 के केस में। आप परिभाषा को देखते हैं, लिखा है 1x1 कोटि का आव्यूह a बराबर इतना है, तो a के सारणिक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किया जा सकता है। देखो ये a है, इसको सारणिक में लिख दो, इसमें लिख दो, या इसमें, तीन तरीका का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये क्या बड़ा डिब्बा में है, तो इसको क्या कर दो, सारणिक में लिख दो, छोटे डिब्बे में लिख दो, तो सारणिक ए का मान क्या होगा, जो इसके अंदर अवयव है वही होगा, जो इसके अंदर अवयव है वही होगा, वही तो मैं बोला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आव्यूह ए दिया हुआ है A11 और सारणिक का मान पूछा है, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, इसको सारणिक में लिख लिया A11, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, A11 जो लिखा है वही हो जाएगा, वही बोला परिभाषा को। तो इसमें बोल रहे हैं यदि A बराबर, ये आव्यूह में दिया है, बड़ा ब्रैकेट है,
आव्यु दो हो तो सारणिक का मान बताओ, सारणिक का मान बता देंगे। क्या है ये, तो इजी है ना, ये दो है इसको सारणिक में लिख दो, सारणिक का मान बोला है ना, तो सारणिक का मान क्या होगा, ऐसे ये हम लोग आव्यू से सारणिक में प्रदर्शित किए और फिर यहां से ये सारणिक का मान बताए, है ना। तो इसमें और इसमें फर्क है, ये आप लोग सारणिक के रूप में लिखे और ये सारणिक का मान बताए। तो एक बाई एक का तो हम लोग को पता चल गया कि एक बाई एक का आएगा तो जो अवयव रहता है ना इसके अंदर वही उसका मान रहता है, ये कब, एक कोटि के आव्यू का सारणिक है। अब द्वितीय कोटि के आव्यू का सारणिक मतलब जिसके कोटि क्या हो, दो बाई दो हो, तो ध्यान से देखना, दो बाई दो हो, पहले मैं समझा रहा हूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट सारणिक दे रहा हूं, दो तीन एक दो, अब दो बाई दो को कैसे करेंगे, इस सारणिक का आपको मान बताना है, इस सारणिक का एक मान बताना है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, सारणिक का मान बताना है। तो देखो सारणिक का मान कैसे बताओगे, दो बाई दो में, ये दो बाई दो का है, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो सारणिक का मान कैसे बताओगे, इसका गुणा इससे करोगे आप लोग, इसका गुणा इससे, फिर ऋण का चिन्ह लगाओगे, ऋण का चिन्ह लगाओगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, तो देखो क्या हो गया, दो का गुणा दो से करो, दो का गुणा दो से करो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, फिर तीन का गुणा एक से करो, तीन का गुणा एक से करो, देखो क्या आया बताओ, दो दूरी चार, तीन एकम तीन, चार में तीन गया एक, तो सारणिक एक का मान क्या आया, एक, तो दो बाई दो का है, दो बाई दो का है। अगर मैं आप लोग का टेस्ट लूं, अगर मैं आप लोग का टेस्ट लूं, तो सारणिक तीन का मान बताओ और सारणिक तीन चार एक एक चार का मान बताओ, आप लोग बता लोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सारणिक एक का मान तीन होगा क्योंकि एक बाई एक का है, जो अवयव है वही आएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान सर होगा तीन का गुणा चार से, तो चार तिया बारह, फिर ऋण का साइन, चार का गुणा एक से, तो बारह में से चार गया सर आठ, तो मैं एक बाई एक का भी सीख गया और दो बाई दो का भी सीख गया। अब परिभाषा में आते, बोला है माना दो बाई दो कोटि का आव्यू ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू है, आव्यू दिया है, तो ए को, इस ए को सारणिक के, सारणिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो ए के सारणिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ये देखो ये तो नोटेशन हो गया, तो इसको आव्यू को सारणिक के रूप में कैसे कर दिए, यहां पे बड़ा ब्रैकेट था, यहां पे दो डंडी डाल दिए, क्लियर है, तो ये जो इसको काटो, तो ये जो सारणिक एक का जो मान है, सारणिक एक का मान है वो क्या होगा, इतना गुणा इतना, ये देखो लिखा है ए वन वन इंटू ए टू टू, फिर माइनस, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो ए वन टू इंटू ए टू वन होगा, क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। अब जो मेन मुद्दा है वो आप लोग ये कर सकते हो कि नहीं, यदि आव्यू ए हो तो सारणिक का मान बताना है, इसमें भी यदि आव्यू ये हो तो सारणिक का मान बताना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अब दूसरे कलर में लिखता हूं, तो सबसे पहले सारणिक में लिखो, सारणिक में लिखो, इसको क्या है, दो चार एक बारह, अब क्या करो, गुणा कर दो, इसका गुणा इससे, दो गुणा बारह, माइनस का चिन्ह, चार गुणा एक, चार गुणा एक, तो सारणिक एक का मान आया बारह दूनी चौबीस माइनस चार एकम चार, तो चौबीस में चार गया बीस, चौबीस में चार गया बीस। अब ये बता दोगे आप, सबसे पहले सारणिक में इसको लिखिए चार एक दो चार, अब यहाँ पे सारणिक ए क्या होगा, चार चौक सोलह माइनस दो एकम दो, सोलह में दो गया चौदह, देखो कोई नहीं, तो ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप डायरेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा भाई, एक स्टेप डायरेक्ट कर दोगे तो क्लियर है क्या, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मेन चीज है तीन बाय तीन कोटि के आव्यू का सारणिक, ये समझ गए तो सब समझ गए, यही है बस पूरा, अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर इसमें तीन बाय तीन कोटि का, तो एक बाई एक कोटि का हम लोग मान निकालना सीख गए, यहाँ पे सीखे थे, ये देखो एक बाई एक कोटि का ये,
और 2/2 कोटि का भी हम लोग निकाले थे ना, 1/1 कोटि का मान और 2/2 कोटि का मान, ये तो सीख गया और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी लिया। अब 3/3 कोटि के आव्यूह के मान आप कैसे, सॉरी सारणी का मान कैसे निकालते हो, ये इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फंसना मत, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब 3/3 सारणिक ही देगा वो। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे, तो ये पहला स्तंभ है, सॉरी पहला पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, ठीक है। अगर मैं स्तंभ बोलूं तो ये है पहला स्तंभ और ये है दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये है तीसरा स्तंभ। यहां तक क्लियर हो क्या आप लोग, यहां तक क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखते रहना ना बस, ये क्या है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये पंक्ति है ना, पंक्ति को स्तंभ तो नहीं बोल दिया था मैं, ठीक है, अगर बोल दिया होगा तो भाई पंक्ति है ये, और ये क्या है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब इसमें आपके पास एक फ्रीडम है कि आप किसी भी एक पंक्ति को चूज कर सकते हो, या तो R1 को, या तो R2 को, या तो R3 को, पंक्ति में किसी को भी एक को चूज कर सकते हो। सिमिलरली स्तंभ में भी आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी एक स्तंभ को चूज कर सकते हो, या तो C1, या तो C2, या तो C3, किसी को भी कर सकते हो। हम मुख्यतः उसको टारगेट करेंगे जहां पे जीरो ज्यादा हो। अभी तो इसमें जीरो नहीं है, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनते जाओ। सपोज मैं इसमें ना पहली पंक्ति को चूज किया, किसको चूज किया, मैं पहली पंक्ति को चूज किया, तो देखो ध्यान से, मैं हल लिखने वाला हूं, ये मैं लिखा हल। अब मैं इसमें किसको चूज कर रहा हूं, पहली पंक्ति को चूज कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं इसको चूज कर रहा हूं, इस पहली पंक्ति को चूज करूंगा, ठीक। हल लिखा तो मेरा ये सारणिक ए दिया हुआ है, है ना, ये आव्यूह की आव्यूह में नहीं दिया, आव्यूह में देता तो आव्यूह से सारणिक में चेंज करते। तो देखो क्या दिया हुआ है, 1 1 1, फिर 1 2 1, उसके बाद दिया है 1 1 5, ये। अब मैं किसको टारगेट किया हूं, पहली पंक्ति को टारगेट किया हूं, तो मैं ये पहली पंक्ति को मैं टारगेट किया हूं, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस अवयव को लेंगे हम लोग, ये अवयव को देखो कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं, सारणिक ए। तो सबसे पहले आप धन चिन्ह लगाओ, धन चिन्ह, धन ऋण धन, ऐसे चलते जाएंगे, सबसे पहले धन चिन्ह लगाओ, और जिस अवयव को आप ले रहे हो, जिस अवयव में आप खड़े हो, उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दिया मैं, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखना है, इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखना है, जो बचा उसको लिखना है। तो देखो क्या बचा, सारणिक में लिखना है, क्या बचा, 2 1 1 5, 2 1 1 5। तो आप लोग पहले धन चिन्ह डाले, जिसको ले रहे हो, पहली पंक्ति को टारगेट किया, तो पहले अवयव से आऊंगा मैं, तो पहला अवयव को एज इट इज लिख दिया। अब उसके सामने वाली पंक्ति और सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखते, जो भी बच गया उसको सारणी के अंदर लिखते हैं। अब उसके बाद ऋण चिन्ह लगाते हैं, ये ऋण का चिन्ह लगाया मैं, ऋण का चिन्ह लगाया। अब क्या करते हैं, पहले अवयव का काम हो गया, अब इस दूसरे अवयव में आते हैं, इस दूसरे अवयव में, तो ऋण का चिन्ह लगाते हैं और ये जो दूसरा अवयव है उसको एज इट इज लिख देते हैं, क्या है, एक है, तो एक लिख दो। अब फिर वही करोगे कि इसके, इस पीले वाले को देखना, इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखोगे, सामने वाली पंक्ति और सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखोगे, जो बचा उसको लिखोगे, क्या बचा, 1 1 1 5, 1 1 1 5, 1 1 1 5, क्लियर है। अब लास्ट आया आपका, ध्यान से देखना, अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, पहली पंक्ति को सभी अवयव को लेना है, तो पहला अवयव ले लिया, दूसरा अवयव ले लिया, अब इसकी बारी।
तो आप लोग क्या करेंगे, धन सबसे पहले लगा देंगे। देखो पहले मैं धन लगाया, फिर ऋण लगाया, फिर धन लगा रहा हूं। कौन सा अवयव को ले रहे हो, एक को, तो एक को चुपचाप लिख देना, एक को चुपचाप लिख देना। अब एक को इसको ले रहे हो तो इसके सामने वाला स्तंभ और सामने वाली पंक्ति को आप नहीं लोगे, तो जो भी बचा उसको सारणी के अंदर लिख दो। एक दो एक एक, एक दो एक एक, एक दो एक एक, यही है एक दो एक एक। अब हो गया काम हमारा, अब हो गया काम हमारा, हो गया। कौन सा कलर में लिखूं, इस कलर में लिखता हूं, हो गया काम हमारा। अब तो ये दो बाई दो का सारणिक आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, ये धन एक का मतलब एक होता है। अब दो बाई दो का सारणिक आ गया तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे इसको ऐसे करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो दो पंचे दस माइनस एक एकम एक, ये माइनस एक, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा, एक गुणा पाँच पाँच हो जाएगा, माइनस एक गुणा एक। अभी दो बाई दो का करके आए हैं भाई हम लोग, और ये प्लस एक, ये क्या हो जाएगा, एक गुणा एक दो गुणा एक, एक गुणा एक एक, माइनस दो गुणा एक दो। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो, सारणिक ए क्या आया, दस में से एक गया नौ, माइनस एक, पाँच में एक गया चार, प्लस वन, वन माइनस टू माइनस वन होता है। सारणिक ए एक गुणा नौ नौ, माइनस एक गुणा चार चार, वन इंटू माइनस वन माइनस वन होता है माइनस वन। तो ध्यान से देखो सारणिक एक क्या आया, नौ, माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ेगा, तो चार और एक क्या हो गया पांच, और जोड़ घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या चार है और चार के सामने माइनस का चिन्ह। तो सारणिक एक का मान क्या गया, नौ में पांच गया चार, ये मेरा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। आप किसी को भी टारगेट करो, मैं यहां पे पंक्ति एक को टारगेट किया तो मेरा आंसर चार आया, आप पंक्ति दो को भी टारगेट करते तो आपका आंसर वही आता, पंक्ति तीन को भी आप टारगेट करते तो आपका आंसर भी वही आता।